चिटफंड कंपनी छत्तीसगढ़ में 177 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में पेश हुई कुर्की प्रकरण अपडेट 11 जनवरी 2020। लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों ये क्या है, आइए एजेंटों के लिए इसमें बड़ी राहत भरी खबर है, पूरी खबर है रायपुर नई दुनिया से। राज्य ब्यूरो चिटफंड कंपनी के अधिक ब्याज दर का प्रलोभन देकर जनता की गाढ़ी कमाई को लेकर भागने वाली चिटफंड कंपनियों की शिकायतों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा चलाई गई व्यापक अभियान के बाद पैसा लौटाने की कार्रवाई में तेजी आई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 177 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें 69 कंपनियों की कुर्की की गई है। आगे खबर है कि अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कुर्क की गई भूमि की नीलामी राशि 7,52,21,000 रुपये शासक के खाते में जमा किया है। इसमें निवेशकों लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी तरह बिलासपुर थाना सिविल लाइन के अपराध के तहत मकान की नीलामी कर 2,80,000 रुपये आवेदिका को प्रदान किया गया है। लोगों को गुमराह कर उनसे पैसा लेने के 403 प्रकरण छत्तीसगढ़ में सभी ज़िलों में दर्ज हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कंपनी की संपत्ति बेचकर या लीलाम करके पैसे लौटाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राजनांदगांव की यालिस्को रियल इस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड की 252.36 एकड़ भूमि संपत्ति चिन्हित हुई थी। कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ 379 मामले दर्ज। वर्ष 2015 से अक्टूबर 2019 तक लोगों को धन दुगना करने से अधिक ब्याज देने का लालच दिखाकर कई चिटफंड कंपनियों ने पैसे लिए। ज़्यादातर कंपनियां धोखेबाजी निकली। प्रदेश के हज़ारों लोगों का पैसा इसमें डूबा। ऐसे मामलों में कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ 379 पदाधिकारियों के खिलाफ 148 प्रकरण शामिल हैं। 38 प्रकरणों में 113 एजेंटों का नाम पृथक करने की कार्रवाई की गई है। न्यायालय के विचारीन 33 प्रकरणों में 102 एजेंट और पुलिस समक्ष विवेचनाधीन 5 प्रकरणों में 11 एजेंटों का नाम पृथक करने की कार्रवाई की गई है। एजेंटों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की समाप्ति, पुलिस द्वारा किसी भी एजेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है बल्कि सभी प्रकरणों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं कंपनियों के संचालकों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रकरण एजेंट का नाम अलग। रायपुर 16 42 36 4 7 3 12 दुर्ग 1 11 बालोद 1 2 बिलासपुर 2 6 मुंगेरी 1 1 जहांगीर 1 8 कोबा 2 6। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि एजेंटों के खिलाफ जो प्रकरण चल रहे थे उन प्रकरणों की समाप्ति की जा रही है और साथ के साथ निवेशकों को पैसे देने की प्रक्रिया का एक प्रारूप जो तैयार किया गया है उसको बहुत शीघ्र चालू किया जाएगा। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।